मत सोचा करो कि मैनेजरी ड्यूटी नहीं बनती, मैनेजर जड़े है जे प्रधान थोड़ी अपने श्री साहब उपरों की पाकर रख दी है तो की बीमारी है। सिख प्रचारक है तुरै फिर जे सिख का स्वरूप ना हो प्रचारक तुरै फिर कि हो लुको लुको के क्यों रखते हो, शर्म महसूस करते हैं। श्रोमणी कमेटी के मुलाजम ही शर्म महसूस कर कि असी बार ककार पा के नहीं जाने तो फिर श्रोमणी कमेटी रहने का कोई हक नहीं किसी को। साफ कर जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाहर जाके एदा मुलाजम अपनी संस्था की महानता की गल नहीं करता उन्हें संस्था में रहने का कोई हक नहीं। मैं देखती हाँ रागी विदेशों जाते हैं कीर्तन लिए जाते हैं, किसी रागी ने किसी स्टेज पर जाके कभी दो मिनट नहीं किसी ने लाए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सानू माण है कि असं उस संस्था में संबंधित है। संघ दी बड़ी डरते ही बड़े है, झटते ही बड़े है। कारण नमोशी आती, जे नमोशी आती तो मुलाजम क्यों बनती हो, जे नमोशी आती है तो प्रचारक क्यों उत्थे बनते हो, जे नमोशी आती है कीर्तन उत्थे क्यों भर्ती होंगे, बाहर करो कीर्तन, तरले पा पा के भर्ती होंगे हो, जोर ला ला के भर्ती। अज मेरे को आए जी असी कीर्तन का टेस्ट आ गया, जेडे हरिमंदर साहब जथे लगे से ना जी, कुछ मैजरी भर्ती सी, कुछ मेरे वर्गे की सिफारशी भर्ती सी। मैं जरा थोड़ी डाढ़ी हाँ, गुस्सा गस्सा मेरे ना करते हैं, मैंबर भी तो लीडर भी लड़ते लुड़ते मेरे ना है हुजा जा इधरों मारते, मैं परवाज ही नहीं करती, उदा घट ही करती, क्योंकि ये तो बाबे नानक ने नहीं खुश कर सके सारी दुनिया में। गुरुद्वारे कोई जाता ना रोज़, तो मैं कई बार देखा बीमार हो पुत्र तो चलो बीमारी ना कोई मर जाए जो जाइए अफसोस कर। मैं तो जी सारे रोज़ मत्था टेकती, मैं रोज़ अरदासा करती, मैं रोज़ गुरुद्वारे जानी, पर मेरा रब ने की सोचा, मेरा रब ने की सवारिया, मेरा पुत्र भी मर गया, मैंने दिता कि रब ने की लैना सेवा करके। यह गल्ला तो लोग नानक नूं नहीं छड़दे, इहदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड़दे, गुरु घर नूं नहीं छड़दे। सो असी कहदे विचारे गाला तो असी खानियां ही खानी, सच नूं हमेशा ही लड़ना ही पैना, उहदे लड़ांगे। मेरी बेनती है एक तो धार्मिक प्रचारक कीर्तनी जथे जां मुलाजम कोई जिहड़ा तुरी फिरदी संस्था हो तुरे फिरदे प्रचार करिया करो, लोगों माण होवे तुहाडे उत्ते, ते नहीं ते तुहाडियां गल्लां सानूं सुणनियां पैंदियां, उहनां वड्डा नुकसान हुंदा, उहनां वड्डा नुकसान हुंदा। सो इह सारियां गल्लां तां इक पासे रहि गईआं, हुण तुसीं आपसी तालमेल किद्दां करना। हर प्रचारक जिहड़ा उत्थे स्कूल पैंदा, प्रिंसीपलां नूं मेरी बेनती है कि तुसीं रोज़ स्कूलों में खास करके, चलो कारजां जिवें सभी दीआं भी शायद पीरियड वख वख हुंदे होणगे, पर तुसीं फिर भी गुरुद्वारे भी बने हैं कम सो कम। पहला मैं संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले स्कूल पढ़ती सी, जिन्ने स्कूल खोले सी उन्होंने सारे सवेरे प्रेयर हुंदी सी, फिर अरदास हुंदी सी, फिर अगले क्लासा च जांदे सी सारे ही स्कूल। अज तो प्रण करके जायो भी सवेरे प्रेयर होवे शब्द दे नाल, अरदास होवे, फिर तुसीं क्लासा च जाणा। उस तो बाद घट्टो घट हफ्ते एक दिन साडा प्रचारक जिहड़ा उस इलाके का उस स्कूल जाएगा, एक पीरियड पहला जिहड़ा वो धार्मिक तौर दे उत्ते एजुकेशन नाल संबंधित जिहड़ी है कोई ना कोई इतिहास उस दिहाड़े का उस गुरु साहिबान का जां पंज ककारां संबंधी गुरुआं संबंधी साहिबजादियां संबंधी जिहड़ी मुढ़ली एजुकेशन है उसके संबंध में एक लैक्चर हर हफ्ते जरूर करवाना पड़ेगा तुम स्कूलों जरूर, कॉलेजों वाले भी एक हफ्ते जरूर एक बार जरूर लैक्चर कराओ। जिहदे कोल धार्मिक टीचर है ठीक है, जिहदे कोल नहीं है वो कम से कम धर्म प्रचारक साडे जिहड़े उन्होंने बुलाए जाण तां जो साडे बच्चों सोचिया जाए, साडे बच्चे भी धर्म वाले पासे चल पैण, सारे कॉलेजों वाले भी सारे स्कूलों वाले। जिहड़ी तुसी हुण स्कूलों च जाना उत्थे जिहड़े बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज आउणगे भावें फतेहगढ़ साहब भावें ननका इत्थे जी एन ई विच, जिहड़ा भी बच्चा साडा इंजीनियरिंग कॉलेज दाखल करे होएगा साडे स्कूलों का साडे कॉलेजां दा, उहनूं
30,000 रुपए इंसेंटिव दिता जाएगा 30,000 रुपए नु बोले निहार। 70% पहले ही पेंडू एरिए दे बच्चे, 50% सिखा दे बच्चे, और जेड़ा भी बच्चा साडे स्कूला चो आके दाखिल होएगा उन्हों 30,000 रुपया ओदी फीस विचो इंसेंटिव दिता जाएगा जेड़ा तुहाडे स्कूला विचो जां कालजां विचो पढ़ के इत्थे पहुंचेगा। कृपा करके अपने बच्चों नू वध तो वध इन्हां कालजां नाल जोड़ो और अपने कालजां विच दाखिल कराओ। जेड़ा प्रचारक जां मैंबर जां लीडर जेड़े बच्चे की सिफारिश करके इधर लैके आएगा पढ़ाउण वास्ते, जेड़ा उन्हूं वध तो वध इधर लैके आएगा बाहरले बच्चों नू अपने कॉलेज तो इलावा स्कूलों तो इलावा, उन्होंने भी 2,500 रुपया असी जिहड़ा प्रचार करिया वह अपनी उन्होंने असी पावर देती है कि वह मैंबर कह दूंगा तेरी फीस विचों मैं 2,500 रुपया लैस करवा दूंगा। ठीक है जी, तुहानू सारे भी इन्नी पावर देती है कि तुसी भी मैंबर भी प्रचारक भी मैनेजर भी जां आले दुआले आले प्रिंसीपल जिहड़े कोई इधर उधर होणगे उन्हां नूं 2,500 रुपया छोड़ जिहड़ी है दित्ती जाएगी तुहाडे कहन उत्ते, तुहाडा टौर बनाउण लई तुहाडी इज्जत बनाउण लई तुसी मेहनत करो। जिहड़ा कोई स्कूल विच बच्चे लियाएगा प्रचारक उन्हें भी 21,000 रुपए की उहदी फीस विच छोड़ दित्ती जाएगी जिहड़ा स्कूल विच, क्योंकि स्कूल च बच्चे बहुत घट है भावें, पर फिर भी कोई गल नहीं तुहानूं इंसेंटिव देण लई इह तुहाडी जेब च नहीं जाणा। मत सोचणा वी 1,000 रुपया प्रचारक नूं मिल जाणा, इह तां सारे अपने सोचदे आ दूजा नहीं कोई सोचदा। ये बच्चा जिहड़ा आएगा उहदे वास्ते फीस विच 1,000 रुपए की असीं कटौती करांगे डिस्काउंट देंगे कि यह बच्चा जिहड़ा इहनूं लैके आए। जिहड़े मुलाजम साडे कोल काम कर रहे, मैनूं पता कईआं दा बेचारे दिल दुल बुझिआ पिआ, भावें कसूर इहनां दा ही है साडा है नहीं, कसूर इहनां दा ही है, स्कूल फेल हो गए, स्कूलां च पैसा नहीं आया, स्कूल च फीस नहीं आई, स्कूल च घाटे च रह गया, बच्चे चले गए, बच्चे दाखिल नहीं होए। इस वेले साडा तकरीबन 32 करोड़ देण वाला है, देण वाला मतलब बोझ है तुहाडा। जिहड़ा मैं जदों तो आई हाँ नवंबर तो लैके, गरेवाल साहब भावें असीं बहुत औखे हैं पर फिर भी तकरीबन 31 करोड़ रुपया असीं दे चुके जो तो मैं आई। बैठे डायरेक्टर साहब इन्हें सारे पता है कि 26 करोड़ इन्हों असी देनी सी मदद, 25 करोड़ फिर उत्तों 5-6 करोड़ मैं वाधू दे के 30-31 करोड़ तो उत्ते असीं दे चुके। हूँ इन्ह का 32 करोड़ देन वाला पिया होया मेरे साडे, मेरे मतलब कि इन्हें तनखा नहीं आई। मैं सोचती हैं कि कोई मैं डन नहीं ला सकती, कोई इन्हें जुलम नहीं कर सकती, कोई नुकसान नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि इन्हें घर च बच्चे भुखे मर, मैं नहीं चाहती कि इन्हें नुकसान होवे। तुसी सारे कई दे साल दे खड़े है, कोई दे 12 महीने दे खड़े है, किसी दे 13 महीने दे खड़े है, किसी दे 6 महीने दे खड़े है, पर 31 मार्च तक देखो तुहानूं मैं 31 मार्च तक थोड़ा जिहा 31 मार्च 21 तक जिन्हां दीआं तनखाहां रहिंदीआं, जिहड़े ते छोटी तनखाह वाले 15,000 तक उन्हां नूं सारे पैसे 31 मार्च तक क्लीयर किए जाणगे टोटल। प्रिंसीपल नहीं खुशी होई तुहानूं, जे दईए तां वी नहीं खुश हुंदे, ना दईए तां वी नहीं, जे असीं देने आ तुहानूं तां वी नहीं खुशी होंदी, ना दईए तां वी रोने हो, दईए तां वी रोने हो, करिए की जी। 31 मार्च तक 15,000 की तनखाह जिन्हां दी है, भावें कोई सेवादार है, भावें कोई अकाउंटेंट है, भावें कोई टीचर है, भावें कोई क्लर्क है, उन्हों टोटल तनखाह 31 मार्च तक अज तो क्लीयर हो जाएगी। 15,000 तो उत्ते आए 30,000 तक मारने नहीं असी, बाकी पैसे तुहाडे छेती असी अगे तुसीं बस काम करो हौली हौली वह भी आ जाएंगे, पर साडी जान ना खाओ आके दफ्तर जाके बहुत दुखी करदे हो तुसीं सानूं। कोई रिश्तेदार हुंदा है, कोई मैंबर नूं लैके ना आवे, मेरे कॉलेज नूं दे दो जी, मेरे स्कूल नूं दे दो जी, मैनूं वेले कर दो जी, मेरी जान खा ली जी। कोई गहना वाले आ गया, कोई इधर ला आ गया, कोई उधर ला आ गया, कोई ट्रॉली वाला आ गया, मैंबर आके साडे इदां सिर पाड़दे आ ना जिदा जगीर कौर ने कोई 2-4 किले बेच के देनी होंदी। ना मैं घरों देनी है, ना चीफ ने घरों देनी है, ना एग्जैक्टिव ने घरों देनी, उही तनखाह देनी है जिहड़ी गुरु की कोठ चों पैसे निकलने। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 16,000 ਹੈ, 20,000 ਹੈ, 30,000 ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ 15,000 ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50%, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਅੱਜ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, 11 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਤਾ ਵੀ 15,000 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਦੀ 1,40,000 ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ 70,000, ਕਿਸੇ ਦੀ 80,000, ਕਿਸੇ ਦੀ 85,000। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। 4-5 ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ, ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵੀ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ। ਲੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ 20-20 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, 10 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਜਾਓ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਾਲਜ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4-5 ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਟੱਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਵੱਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।